हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडेड स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो है ये जो पर्टिकुलर बुक जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था इस बुक के बारे में, लेकिन अभी तक जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पढ़ना कैसे है, आपको भी वीडियो देखना है एंड तक, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा कंटेंट कवर करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो सब कुछ हम बताएंगे। और कैसे कवर करना है आपको, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि जो है मतलब आपका जहाँ तक हेल्प मैं कर पाता हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ, अपडेट लेके आता हूँ, क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये बुक जो है कैसे पढ़ना है, कितना टाइम रिवीजन करना है, कैसे पढ़ेंगे कि मल्टीपल टाइम मेरा रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ आपका माइंड पे हो जाए। तो ये सब कुछ हम देखेंगे, कंटेंट्स भी देखेंगे इसका कि कौन सा कंटेंट कैसा है, क्या है और कैसा फैक्ट दिया हो गया है इसके मनोहर पांडे का। कौन सा बुक पढ़ेंगे, पतली वाली, मतलब बहुत मोटी मोटी भी किताबें आती है, पतली सी आती है, मोटी आती है, उससे मोटी, मतलब सबसे शॉर्ट में है, फिर मीडियम में है, फिर मतलब ज़्यादा है उससे। तो हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा वीडियो, आपको कंटेंट हम समझा देंगे और कैसे कवर करना है ये बता देंगे और कैसे रिविज़न करना सब कुछ बता देंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो। तो चलेगा इसे हम स्टार्ट करते हैं, कंटेंट पे चलते हैं, वहाँ से यानी कंटेंट्स जो होता है बुक का वहाँ से हम आपको समझाएंगे सब कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, ये है वो आपकी जो आर्यांत की जीके की बुक है वो ये है। और ये डेट से आपको कुछ नहीं करना है कि 21 का लें कि 22, आपके पास जो भी है 2000 अगर 19 का भी है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट देख के, ये ईयर देख के कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ ये इसलिए दिया था क्योंकि इस ईयर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया जाता है, बाकी सारा कंटेंट सेम रहता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, लेकिन अभी आप न्यूली लेंगे तो आपको 2022 का मिलेगा या शायद 2021 का मिलेगा, तो आप ले लेंगे। कैसे परचेज करेंगे सब हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम कंटेंट देखते हैं। और ये मनोहर पांडे की बुक है, इसी का है, आर्यांत पब्लिकेशन जो है, इसी जितना भी ये जीके जो लेंगे आप मनोहर पांडे का ही मिलेगा आपको। और ये 30 रुपी वाला है, 30 रुपीज़ जो है इनका प्राइस है। तो मतलब पतली सी बुक है, मैंने यही आपको सजेस्ट किया था। तो लेकिन इससे मोटी भी बुक आती है, मतलब हम बताएंगे आपको कि कौन सा लेना है, अभी किस कोर्स के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा लेंगे तो कितना कंटेंट, टाइम के हिसाब से सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स। देखिए इसमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहला पोर्शन जो है आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है ना, देख पा, सॉरी करंट अफेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे कुछ पेजेस में, 5 to 32 pages में करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड अच्छा से कवर किया हुआ है। उसके बाद देखिए जो आपका मेन है वो हिस्ट्री का है ना, 1 से लेकर 27, 1 से जो मतलब पेजेस काउंटिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब हिस्ट्री मेन सिलेबस से हिस्ट्री का जो है आपको, हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का सारा पार्ट आपको मिल जाएगा जो आपको ज़रूरी है, जो आपके लिए वो सब कुछ कवर है इसमें, शॉर्ट टर्म में कवर है। इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बेस्ट कंटेंट है, आपको पढ़ना कैसे बस ये सब अभी आपको पता चलेगा वीडियो में। सबसे पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी है सेकंड में आपका, ज्योग्राफी मतलब सब कुछ आपका कवर कर देगा जीके में, चाहे वो स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है इसमें, सब कुछ जीके है, स्टैटिक जीके है। और जीके और स्टैटिक जीके में आप डिफरेंस पता है ना, जीके मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल जो इन्वायरमेंट है, सोशल जो सोशली हम जो पढ़ते हैं, अवेयर होते हैं चीज़ों से, तो ये सब कुछ जीके में आता है। और जो स्टैटिक जीके वो क्या है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, मतलब बदलने इन द सेंस कि सबसे पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है, किसी किताब को किसने लिखा है और कहाँ पे कौन गया, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया, कौन सबसे पहले प्रेसिडेंट बना, ये सब होता है स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है, जो फिक्स है। तो आई होप कि आप समझ गए। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट हमने हिस्ट्री देख लिया, हिस्ट्री का जो है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों पार्ट कवर है, आर्ट एंड कल्चर का भी है, और ज्योग्राफी में आप देख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, सब कुछ है ज्योग्राफी का भी। और सारा आप सब टॉपिक्स भी देख सकते हैं, सारा सब टॉपिक्स भी दिया हुआ आपका, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद देखते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी आपका बहुत अच्छे से कवर है। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मतलब लगभग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जितना जो जो इम्पोर्टेंट है आपका दिया हुआ है। ये हम जो है ये कंटेंट सेम मिलेगा, चाहे आप वो जो ब्रॉड में जो बुक है, मतलब अभी हम आपको वो भी बुक दिखाएंगे, उसका प्राइस कितना है वो भी आपको दिखाएंगे। ये तो छोटी वाली बुक है, लगभग 100+ pages की है, 121 pages की होगी और 30 रुपये प्राइस है, मैंने बता दिया आपको।
ठीक है, उसके बाद द स्टेट्स वगैरह सब कुछ, पॉलिटिकल जितना इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी है। उसके बाद देखिए इंडियन इकोनॉमी का भी है, इंडियन इकोनॉमी का भी कंटेंट है। उसके बाद जनरल साइंस है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज, ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। ठीक है, देख लिए आप 128 128 पेजेस है। अब बात है कि आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, तो हम बुक का फ्रंट पेज पे आते हैं, आ जाते हैं। देखिए आपको कवर कैसे करना है ये मैटर करता है। देखिए करना क्या है कि आपके पास आप टाइमिंग को अपना फिक्स कर लीजिए। ये बुक गाइस सबसे पहले इसको इसका जो बेनिफिट्स है वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्या गाइस, ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छा से तो ये 100% आप श्योर हो जाइए कि जीके का तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है नहीं। अगर आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का बेनिफिट्स क्या होगा कि इसमें कोई एमसीक्यूज टाइप में है नहीं, है तो शॉर्ट में ही लेकिन एमसीक्यूज नहीं जी, जो हम भूल जाते हैं कि ऑप्शन देख के आप टिक करेंगे और माइंड पे सिर्फ सेट करेंगे। यहाँ आपको पढ़ना होता है, एक्चुअल में जो पढ़ना होता है ना अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ है। और शॉर्ट में है जो कंटेंट है वो शॉर्ट में है, और जो शॉर्ट में होता है मतलब मज़ा आता है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है उसका छोटा सा आंसर है, तो ये सब क्वेश्चन हमको पढ़ने में मज़ा आता है और याद भी हो जाता है जल्दी। तो इस बुक को जो है, ये पतली सी बुक मैं अभी बता रहा हूँ, आर्यांत की छोटी सी जो बुक है 128 पेजेस की है, 30 रुपये प्राइस है। और आपने देख ही लिया यहाँ पे सब कुछ है ना, मनोहर पांडे की बुक है, 30 रुपये प्राइस है। तो इस बुक को लेना है अगर आप बीए ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या BA LLB कोई भी कोर्स के लिए। इससे आप जो एक बुक और है मतलब वो ज़्यादा पेजेस की और प्राइस भी ज़्यादा है कुछ, तो उसमें क्या है कि ये दोनों बुक में क्या डिफरेंस है सबसे पहले ये समझ लीजिए। दोनों बुक में डिफरेंस ये है कि इसमें जो है 30 रुपीज़ वाले में जो है आपका शॉर्ट में है, सारा कंटेंट तो वही है, हिस्ट्री का भी तीनों पार्ट है लेकिन शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में है। और उसके बाद जो इससे बड़ा जो है, जो इसे लॉन्ग टर्म में दिया हो तो वो ब्रॉड है थोड़ा सा, यही सब कंटेंट को उसको डिस्क्राइब किया गया पूरा। तो आप कौन सा पढ़ेंगे तो क्या बेनिफिट होगा ये पहले जान लेते हैं। देखिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम किसी तरह क्वालिफाई हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम इन द सेंस कि जीके वाला जो पोर्शन है, जीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से, ये मेरा कवर हो जाए, इस पर हम स्कोर कर पाएँ 40 मार्क्स का जो पूछा जाता है या जितना भी मार्क्स का आपका जीके जो पूछा जाता है बीए हो या BA LLB का हो, तो ये मेरा पार्ट जो है मेरा क्वेश्चन छूटे नहीं, तो ये 30 रुपीज़ वाला बुक जो है आपका सफिशियंट है। लेकिन इसको एक्चुअल में पढ़ना होगा, पढ़ना इन द सेंस बढ़िया से समझना, माइंड पे सेट होना चाहिए, इवन आपको पेज नंबर तक पता हो जाना चाहिए कि कौन सा पेज में क्या दिया हुआ है ना, कौन सा पेज में क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल फीचर्स बाउंड्रीज वगैरह ये सब कौन से पेज में है कहाँ पे है, सब कुछ आपका माइंड पे सेट हो जाना चाहिए कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम्स में कितने प्लानेट्स हैं, सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लानेट कौन सा है, कैसा मूवमेंट है अर्थ का, मूवमेंट कैसा है अर्थ अगर अपने एक्सिस पे मूव कर रही है तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, सन के चारों ओर अगर राउंड राउंड मतलब मूव कर रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये सब आपका माइंड पे सेट हो जाना चाहिए। पॉलिटी जो है, पॉलिटी का फादर कौन है, पॉलिटी का कंसेप्ट कौन सा है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल में, ये सब कुछ आपका माइंड पे जब सेट हो जाए उसके बाद आपको रिविजन स्टार्ट। और ये कैसे सेट होगा, रिविजन के से स्टार्ट होगा। और पढ़ना कैसे है देखिए, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए आपकी बुक है, आपने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ये आपका टॉपिक है ना, मैं तो यहाँ ऐसे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ आपका टॉपिक है, ये कोई क्वेश्चन है और इसका डेफिनेशन ये दिया हो, तो आपका ऐसे 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 करके पूरा बुक अंडरलाइन होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए बार बार। और बहुत बार हो जाएगा तो उसके बाद एक बार पेंसिल से लेकर अंडरलाइन करेंगे, एक बार पेन से कर देंगे, एक बार हाईलाइट से कर देंगे कि ताकि पता चले कि आप बाद में देखें उस बुक को तो पता चले कि आपने पढ़ा था एक्चुअल में। और ऐसे सिलेक्शन क्या जिंदगी भर के लिए जीके कभी पढ़ना नहीं होगा, ठीक है, अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे तो। और ऐसे पढ़ेंगे तो गारंटी है कि आपको जीके में कभी कोई हरा नहीं सकता है और कभी कोई एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आई एम श्योर कि आप इस बात को मानेंगे और इस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ बात यह है कि देखिए आप वो बुक हम आपको दिखा देते हैं, एक और बुक है जो ब्रॉड में है थोड़ा, उसको भी दिखा देते हैं बस। देखिए मैंने आपको बताया था ना किसी में 21 किसी में 22 लिखा हुआ रहता है, इसमें 22 लिखा हुआ है ना, 2022 लिखा हुआ है। देखिए ये भी मनोहर पांडे की ही बुक है, यहाँ देखिए इसका प्राइस जो है 195 रुपी है। ठीक है, अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, इसका ये होगा कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए कोई कहीं पे भी आप जाएंगे भी या फिर लॉ के लिए जाएंगे तो आपको मतलब ये सब चीज़ दोबारा मतलब उतना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको सब कुछ पता मतलब इन्फॉर्मेशन सारा आपके माइंड पे कलेक्ट होगा। आप कोई भी ज्योग्राफिकली अगर देखिए या इकोनॉमिकली कुछ पढ़ रहे हैं आप, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ माइनर वे में ही सही आपके पास कुछ ना कुछ जो है आपका माइंड पे होगा, नॉलेज होगा, मतलब नॉलेज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी टॉपिक के लिए आपको वो चीज़ पता है, इतना कुछ हो जाएगा।
तो आप सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहते हैं या फिर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि ऐसा नॉलेज जो हमेशा काम आए किसी भी एग्ज़ाम में, जीके हम फेस कर पाएँ, तो वो दोनों में। अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज आए हमेशा के लिए रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या कोई भी एग्ज़ाम का जीके वाला पोर्शन मेरे से कवर हो जाए, तो आप ये बुक लेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी मुझे देखना है, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आप जो आपको मैंने जो 30 रुपीज़ का जो बुक दिखाया, आप रुके लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, ओके हाँ दिस इज विजिबल, ओके देखिए हाँ मैंने आपको दो ऑप्शन दिया यहाँ पे, राइट हाँ दो ऑप्शन मैंने बताया कि अगर आप अपना नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि कहीं भी मुझे कोई चीज़, मतलब कहीं पे कोई करंट में भी कोई इशू चल रहा है तो उसके बारे में भी मुझे कोई नॉलेज होना चाहिए, कोई हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का कोई पार्ट हो, इकोनॉमी का कोई पार्ट हो, पॉलिटी का पार्ट हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, इट्स स्टेट क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का कुछ भी पार्ट, कोई भी आर्टिकल, सब नॉलेज आपके पास हो तो आपको ये वाली बुक लेना है, ठीक है, ये बुक लेना है। और आपको चाहते हैं कि सिर्फ अभी मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और बाद में जाके मुझे दिक्कत क्या, जो भी होगा हम मेहनत कर लेंगे, तो आपको ₹30 वाला बुक लेना है। इसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये इनफ है, लेकिन इनफ तब है जब आप पढ़ेंगे, ओके आई होप कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी टाइम बहुत है। मैं सजेशन करूँगा, सजेशन जो है, तो मैंने ₹30 वाला तो बताया ही था पहले, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि आप ये तो ले ही सकते हैं। अगर आप ये ले लेते हैं तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसको ले लिया है तो फिर इसको लेने की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों ले लेंगे तो फिर ब्रॉड में भी हो जाएगा, शॉर्ट में भी, किसको पढ़ेंगे आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, तो कोई एक लेना है आपके पास, आपका आपके पास कोई एक होना चाहिए, ठीक है, ये ₹30 वाला में से और ₹195 वाला में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये सवाल ये है कि अभी तो सारे शॉप वगैरह सब कुछ बंद है, तो आप मिलेगा कहाँ पे, तो ऑनलाइन ये अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन ये अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप ऑर्डर कर लीजिए, घर पे आपका आ जाएगा, कहीं से भी आप रहते हैं, कितने भी इसमें होंगे आपके घर तक, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं शॉपिंग का, तो या फिर कुछ परचेस करने का, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह आप जानती ही हैं, तो वहाँ से आपका तो घर तक आ ही जाएगा, तो आप ऑर्डर कर लीजिए, आज ही कीजिए, अभी ही करना है, और जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इस बुक को मंगाना है, और इसका सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन एकदम कवर करना है, और मल्टीपल टाइम रिविज़न आपका होना चाहिए। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।